विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्रीय सुरक्षा बल, पुलिस फोर्स, होमगार्ड के अधिकारियों को ब्रीफ किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि जनपद में 3 मार्च को होने वाले मतदान में ड्यूटी पर लगे अधिकारियों कर्मचारियों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित अधिकारों कर्तव्यों के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया तथा साथ ही अपने ड्यूटी स्थान पर सतर्कता बरतते हुए कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें ताकि मतदान को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जा सके। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि अपनी ड्यूटी पॉइंट पर सतर्क रहें और मतदान स्थल के आसपास किसी भी प्रकार की अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने पाए एवं किसी भी बाहरी व्यक्ति से किसी प्रकार की सुविधा न लें और न ही किसी भी प्रकार के प्रलोभन में पड़े तथा मतदान स्थलों पर किसी प्रकार की अव्यवस्था या मतभेद होने पर इसकी सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को बताया गया है कि चुनाव ड्यूटी एक अति महत्वपूर्ण ड्यूटी है, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरती नहीं जाएगी तथा सभी पुलिस बल की गरिमा बनाए रखते हुए पूर्ण सतर्कता बरतते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। साथ ही संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, जिसको देखते हुए सभी थाना प्रभारियों को बताया गया कि शाम 6 बजे के बाद बाहर से प्रचार हेतु आए व्यक्तियों को भी जनपद से जाना होगा और आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित किसी भी अनैतिक कार्य जैसे बिना अनुमति चुनावी जनसभा, रोड शो, रैली, किसी प्रत्याशी व्यक्ति द्वारा पैसों, अवैध शराब आदि का वितरण करने वालों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह, एसपी सिटी सोनम कुमार, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह सहित अर्धसैनिक बल के कमांडेंट व अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, जो रसोई है हमारे उनके माध्यम से बताया जा रहा है, उसका रेट नियंत्रण की तरफ से निर्धारित किया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 150 रुपए दिया जाता है वह पे करके सभी मतदान कार्मिक चेक करने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से एक ऐसा तरीका है कि 3 बजे के बाद अक्सर ये शिकायतें आती है। दूसरा, शाम को जब आप पहुंचेंगे तो अपनी व्यवस्था देख लीजिएगा, संबंधित थाना प्रभारियों से मैं कहूंगा और सभी सीओ साहब भी राउंड पे रहेंगे। जी, आज चुनाव की तैयारियों को देखते हुए समस्त पुलिस बल की ब्रीफिंग की गई है, जिसमें सीएपीएफ, सिविल पुलिस, होमगार्ड सभी के अधिकारी और सभी पुलिसकर्मी मौजूद थे। इसमें हम और जिलाधिकारी महोदय इसका अध्यक्षता किए, जिसमें कि सभी नियमों से उनको वाकिफ करवाया गया, उनकी समस्याएं सुनी गई, कोई सुझाव हो तो उसको भी सुना गया और कई इस पे अच्छे सुझाव हमें प्राप्त हुए जिस पे हमने अमल किया है और सभी लोग मिलकर एक बढ़िया, शानदार, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव करवाएंगे। इसकी तैयारी आज की गई।